अब हम बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम के मध्य जो डायगोनल रिलेशनशिप है या विकर्ण संबंध है, इसके कौन कौन से गुण हैं जो एक जैसे हैं, ये जानेंगे। बेरिलियम एवं मैग्नीशियम का जो त्रिज्या अनुपात होता है वो भी देखिए लगभग समान होता है। बेरिलियम दूसरे आवर्त का सदस्य है जबकि मैग्नीशियम तीसरे आवर्त का सदस्य है, इसलिए इनके मध्य डायगोनल रिलेशनशिप होता है और इनके त्रिज्या अनुपात का मान भी लगभग लगभग समान है। बेरिलियम 2+ के लिए 0.0645 और एल्यूमिनियम 3+ के लिए 0.0562 होता है। ये दोनों मान लगभग बराबर होता है। बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम शीघ्रता से अम्ल के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि इनके ऊपर ऑक्साइड की एक पतली फिल्म उपस्थित होती है, इसलिए ये अम्ल से आसानी से क्रिया नहीं करते हैं। बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम के जो क्लोराइड होते हैं वे वाष्प प्रावस्था में सेतु बंधित क्लोराइड की रचना लिए हुए होते हैं। आप देखिए इस तरह से सेतु के रूप में इसकी संरचना होती है। दोनों ही कार्बनिक विलायक में विलेय होते हैं। जब क्षार की अधिकता होती है तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आसानी से घुल जाता है और एक संकुल बना लेता है बेरिलियम टेट्राहाइड्रोक्साइड आयन का, BeOH4 2- ब्रैकेट के बाहर। और इसी तरह से एल्यूमिनियम का भी हाइड्रोक्साइड बन जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनेट इस टाइप का बना लेता है, AlOH4 और ब्रैकेट के बाहर माइनस चार्ज है। तो इस तरह से दोनों क्षार की अधिकता में घुलकर हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम के जो हैलाइड हैं वो प्रबल लुईस अम्ल की तरह कार्य करते हैं। लुईस अम्ल जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए दूसरे पदार्थों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। इसका एक उदाहरण हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में भी देखते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में बेरिलियम या एल्यूमिनियम के जो हैलाइड होते हैं वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। बेरिलियम क्लोराइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है तो BeCl2 + 2Cl- = BeCl4 2- इसी प्रकार एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 + Cl- = AlCl4 (+ 1)। तो यहाँ पर ये दोनों जो माध्यमिक उत्पाद हैं इसी वजह से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया संपन्न होती है, अर्थात ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। जैसे यहाँ बेंजीन की क्रिया जब मेथिल क्लोराइड से कराई जाती है तो टॉलवीन बनता है और साथ में HCl निकलता है, और यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में AlCl3 का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए AlCl3 एक मुख्य उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम आसानी से हाइड्राइड नहीं बना पाते हैं, दोनों क्षार के साथ घुलकर हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो इसको हम समीकरण के द्वारा समझेंगे। बेरिलियम जब क्षार से क्रिया करता है, यहाँ पर हम NaOH के साथ बेरिलियम का रिएक्शन देखेंगे, बेरिलियम प्लस 2NaOH = Na2BeO2 + H2। इसी प्रकार जब एल्यूमिनियम क्षार से रिएक्ट होता है, 2Al + 2NaOH + H2O = 2NaAlO2 + 3H2। यहाँ पर H2O को बैलेंस करेंगे और 2H2O हम लिख सकते हैं। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम के काफ़ी सारे गुण जो हैं वो एक जैसे हम देख रहे हैं, तो कुछ गुण और हम समझेंगे। इसी प्रकार बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम जब खनिज अम्लों के साथ धीरे धीरे क्रिया करते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस यहाँ से विस्थापित होती है, अर्थात खनिज अम्ल में जो हाइड्रोजन है वह बेरिलियम और एल्यूमिनियम के द्वारा विस्थापित हो सकती है। तो इसको रिएक्शन के द्वारा समझेंगे, BePlus 2HCl = BeCl2 + H2। तो यहाँ पर बेरिलियम इस HCl में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है। यहाँ पर बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड हैं ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य कर सकते हैं, अर्थात ये उभयधर्मी गुण वाले होते हैं। तो बेरिलियम ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट होगा तो BeO + 2HCl = BeCl2 + H2O। मतलब यहाँ पर यह BeO क्षार की तरह कार्य कर रहा है,
क्योंकि HCl से रिएक्ट हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखेंगे BeO जब अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा तो यह NaOH से रिएक्ट हो रहा है, 2NaOH इज इक्वल टू Na2BeO2, सोडियम बेरिलेट फॉर्म करता है और प्लस H2O। तो बेरिलियम ऑक्साइड यहाँ अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर रहा है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम भी HCl और NaOH के साथ रिएक्ट करके लवण बना सकते हैं। तो Al2O3 plus 6HCl is equal to 2AlCl3 plus 3H2O। यहाँ पर यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो क्षार की तरह कार्य कर रहा है। दूसरे रिएक्शन में हम देखेंगे Al2O3 plus 2NaOH। यहाँ पर Al2O3 अम्लीय व्यवहार दर्शाता है और क्षार से रिएक्ट हो रहा है और इन दोनों की क्रिया से बनता है 2NaAlO2 प्लस H2O, मतलब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो यहाँ अम्ल और क्षार की क्रिया हुई और लवण और जल बनता है। तो दोनों में ही ये देख रहे हैं कि अम्ल और क्षार की तरह ये व्यवहार कर पाते हैं, तो यह उभयधर्मी ऑक्साइड की तरह कार्य करते हैं। बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम जब कार्बन के साथ रिएक्ट होते हैं तो ये कार्बाइड बनाते हैं, और ये जो कार्बाइड होते हैं इनकी प्रवृत्ति सहसंयोजक होती है, और इनके कार्बाइड का जो सूत्र है, जैसे बेरिलियम कार्बाइड Be2C और एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3, तो इस प्रकार ये कार्बाइड फॉर्म करते हैं और सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं। बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम दोनों ही विलयन में फ्लोराइड आयन बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स एक जटिल लवण की तरह ये कार्य करते हैं। तो BeF4 ब्रैकेट बंद करेंगे और माइनस चार्ज, यहाँ पे 2- चार्ज रहेगा क्योंकि बेरिलियम के ऊपर 2+ होता है और Cl4-1। तो यदि यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे या बाहर कितना आवेश बचता है उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो 2- ही होता है। इसी प्रकार AlF6 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 3- चार्ज क्योंकि एल्यूमिनियम पे 3+ है और Cl-1, तो इस तरह से एल्यूमिनियम 3+ और -1 इंटू 6 होगा तो -3 ब्रैकेट के बाहर बचता है। अब हम क्षारीय मृदा धातुएं जो हैं उनके अलग अलग तत्वों के उपयोग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बेरिलियम। बेरिलियम मिश्र धातु बनाते हैं कॉपर के साथ, और इस प्रकार के मिश्र धातुओं का प्रयोग प्रबल शक्ति वाले जो स्प्रिंग होते हैं उसके निर्माण में किया जाता है। इसी प्रकार जो एक्स किरण नलिका होती है उसमें खिड़की बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बेरिलियम और इसके बहुत सारे यौगिक हैं जिसका प्रयोग कंप्यूटर के कंपोनेंट्स बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी एक मिश्र धातु के रूप में उपयोग किया जाने वाला तत्व है। मैग्नीशियम जब जिंक के साथ मिश्र धातु बनाता है तो इस प्रकार के मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के पुर्जे बनाने में किया जाता है। मैग्नेलियम एक मिश्र धातु है जिसका प्रयोग एरोप्लेन, मोटर, इंजन, पिस्टन और जो कुछ हल्के यंत्र होते हैं उसको बनाने में किया जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट औद्योगिक रसायन के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म किए जाते हैं, RMGX। तो मैग्नीशियम इसका भी एक प्रमुख कंपोनेंट होता है। बोरॉन, सिलिकॉन और टाइटेनियम का जब निष्कर्षण किया जाता है तब भी मैग्नीशियम एक मुख्य धातु की तरह कार्य करते हैं। फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जब मैग्नीशियम रिबन का प्रयोग एल्यूमिनोथर्माइट विधि में किया जाता है तो इसके साथ मैग्नीशियम रिबन के साथ जो बेरियम परऑक्साइड है इसका दहन किया जाता है और इसका एक दहन मिश्रण बनाया जाता है एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस में। और मैग्नीशियम का जो धन विद्युतीय गुण है वो बहुत अधिक है, इस कारण इसका प्रयोग कई बार संक्षारण को रोकने के लिए जो सैक्रिफाइजियल प्रोटेक्शन है उस तरह से किया जाता है, अर्थात ये बलिदानी संरक्षण में भी प्रयोग किया जाता है इसके धन विद्युतीय गुण के कारण। अब हम कैल्शियम के कुछ यूजेस के बारे में जानेंगे। कैल्शियम एक बहुत अच्छा अपचायक होता है। निर्वात नलिका जो होती है, जो वैक्यूम पंप होते हैं, वहाँ पर वायु को हटाने में इस कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में प्रयोग किया जाता है। बेरियम का उपयोग, बेरियम
का मुख्य उपयोग एक्स किरण नलिका और स्पार्क प्लग में होता है और बेरियम मिश्र धातु स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। रेडियम एक रेडियोधर्मी तत्व होता है, रेडियोधर्मी एक धातु है और इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में की जाने वाली जो तकनीक है रेडियोथेरेपी, उसमें इसका बहुतायत प्रयोग किया जाता है। अब इस परिवार में जो कैल्शियम तत्व है, इसके कई सारे यौगिक के बारे में हमें जानना है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। तो कैल्शियम के कुछ मुख्य मुख्य यौगिक के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम और इसके साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट। तो इतने सारे यौगिकों के बारे में हमें जानना है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व रखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना। इसका सूत्र है CaO और अणुभार है 56। कैल्शियम ऑक्साइड को बनाने के लिए चूना पत्थर लिया जाता है और उसको एक घूर्णन भट्टी में 1017 केल्विन से 1270 केल्विन तक गर्म किया जाता है। जब इसे गर्म किया जाता है चूना पत्थर को, तो चूना पत्थर को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होती है। तो यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय भी होती है और ऊष्माशोषी भी होती है। तो CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2। ये जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है जिसमें CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। इस अभिक्रिया में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते रहना चाहिए। हटाते रहने से ही अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर बढ़ती जाती है। जब चूने का निर्माण किया जाता है तो भट्टी में दोनों तरफ दो भट्टी में कोयला जलाया जाता है और ऊपर की ओर से धीरे धीरे चूने का पत्थर डालते रहते हैं और जब ये नीचे तक पहुंचता है तो ये अपघटित हो जाता है। और इस अभिक्रिया में, इस प्रकार के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो भट्टी के ऊपरी भाग से निकलती जाती है और वायु के साथ ये भट्टी के ऊपरी भाग से निकलती जाएगी। फिर इसे द्रवित कर लिया जाता है और सिलेंडरों में भर लिया जाता है। बने हुए चूने को लगातार भट्टी से निकाल लिया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड सफ़ेद अक्रिस्टली ठोस पदार्थ के रूप में पाया जाता है प्रकृति में। इसका गलनांक बहुत उच्च है, 2870 केल्विन होता है और बहुत अधिक स्थायी भी होते हैं। ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला में जब इसे गर्म किया जाता है तब भी ये नहीं गलता है और नहीं गलने के बावजूद भी यहाँ प्रकाश उत्पन्न होती है जिसे लाइमलाइट कहते हैं। वायुमंडल में जब इसे खुला छोड़ दिया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को, तो ये वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड और नमी को अवशोषित कर लेते हैं। जब ये वायुमंडल से जल को अवशोषित करते हैं, नमी को अवशोषित करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH होल ट्वाइस, जिसे हम चूने का पानी भी कहते हैं, और CaO प्लस CO2 इज इक्वल टू CaCO3 जो कि चूना पत्थर होता है। इसमें जब कम मात्रा में जल मिलाया जाता है तो इसके जो लम्ब्स होते हैं वो टूटने लगते हैं और इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं चूना बुझाने की क्रिया। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल डाला जाता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और अत्यंत ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी होती है, लगभग 15,000 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैल्शियम ऑक्साइड प्रबल क्षार की तरह भी कार्य करते हैं। ये प्रबल क्षारीय ऑक्साइड भी होते हैं क्योंकि जब ये अम्ल से क्रिया करते हैं तो लवण एवं जल बना लेते हैं। साथ ही इनकी क्रिया जब अम्लीय ऑक्साइडों से होती है तो ये धातु लवण बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जब अम्ल से क्रिया करता है CaO प्लस 2HCl इज इक्वल टू CaCl2 प्लस H2O। इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड जब अम्लीय ऑक्साइड से क्रिया करता है CaO प्लस SiO2 इज इक्वल टू CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड जब फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये भी अम्लीय ऑक्साइड होता है, इसके साथ क्रिया करने पर ये कैल्शियम फॉस्फेट में परिवर्तित होता है। O6CaO प्लस P4O10 इज इक्वल टू 2Ca3PO4 होल ट्वाइस। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में परिवर्तित होता है।
कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब कोक से कराई जाती है तो ये कैल्शियम कार्बाइड बना लेते हैं। तो इसका रिएक्शन है CaO प्लस 3C इज इक्वल टू CaC2 प्लस CO। तो यहाँ बहुत अधिक तापमान होता है इस रिएक्शन में, लगभग 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यह क्रिया होती है। कैल्शियम ऑक्साइड पर जब क्लोरीन की क्रिया होती है तो ये कैल्शियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनाते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड Cl2 से रिएक्ट होगा तो वो रिएक्शन है 2CaO प्लस Cl2 इज इक्वल टू CaCl2 प्लस O2। तो बैलेंस करेंगे तो 2CaCl2 हम लिख सकते हैं इसे। कैल्शियम ऑक्साइड का हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से प्रयोग होता है उसके कुछ उदाहरण आप देखिए। सीमेंट बहुत सारे बिल्डिंग बनाने में, बांध बनाने में, पुल बनाने में उपयोग में लाया जाता है। सीमेंट के एक प्राथमिक पदार्थ के रूप में, मतलब सीमेंट को बनाते समय भी कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी कुछ भट्टियाँ ऐसी होती हैं जिसमें कि अंदर का जो लेयर है वो क्षारीय बनाना होता है, तब भी कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है अंदर के लेयर को क्षारीय बनाने के लिए। कास्टिक सोडा से जब सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है तब भी कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कई सारे धातु निष्कर्षण की प्रक्रिया में क्षारीय गालक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि कुछ जो अगलनीय पदार्थ होते हैं उनके साथ जब इन क्षारीय गालकों की क्रिया होती है या जो अम्लीय प्रकार के अगलनीय पदार्थ होते हैं उनके साथ जब ये क्षारीय गालक क्रिया कर लेते हैं तो धातु मल के रूप में बाहर निकल जाता है आसानी से। तो ये क्षारीय गालक के रूप में प्रयोग में आने वाला एक मुख्य केमिकल होता है। इसी प्रकार अल्कोहल और गैस को शुष्क करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी कोल गैस को शुद्ध करने के लिए भी ये हेल्प करता है। कागज़ उद्योग में भी कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हम देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, और अणुभार है 74। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे चूने का पानी या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए जो कैल्शियम ऑक्साइड है उस पर जल की क्रिया कराई जाती है तो CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH होल ट्वाइस बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सफ़ेद चूर्ण के रूप में होता है और जल में आंशिक रूप से विलय होते हैं। चूने के जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है तो ये जो चूने का पानी जो कि रंगहीन था वो अब दुधिया हो जाता है। उसका दुधिया होने का कारण है कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनने लगता है, और जब बहुत देर तक चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो जो इसका दुधिया रंग है वो उड़ जाता है, और यह होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बनने के कारण। इन दोनों ही प्रक्रियाओं को हम समीकरण के द्वारा भी समझेंगे, और जो कैल्शियम कार्बोनेट का बनना है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर, जब हम प्रयोगशाला में अम्लीय मूलक कार्बोनेट का परीक्षण करते हैं तब इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बोनेट की पहचान आसानी से लैब में हम कर सकते हैं। इस रिएक्शन को हम समझेंगे कि कैसे दुधिया रंग बनता है और कैसे दुधिया रंग उड़ जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 इज इक्वल टू CaCO3 बना प्लस H2O। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये सफ़ेद रंग का होता है, इसलिए पूरा जो चूने का पानी है वो दुधिया हो गया। जब लगातार कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते गए इसी कैल्शियम कार्बोनेट में तो CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 इज इक्वल टू CaHCO3 होल ट्वाइस। तो यहाँ पर ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना जो दुधिया रंग को उड़ा देता है, तो अब ये वापस से रंगहीन हो जाता है। जल में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्वच्छ विलयन होता है वो चूने का जल कहलाता है, और इसका जो गाढ़ा निलंबन सस्पेंशन होता है वो चूने का दूध कहलाता है, जिसे हम मिल्क ऑफ लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से जो क्रिया है वो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रकार से हो सकती है। जैसे यदि कम तापमान पर जो शुष्क बुझा हुआ चूना है उसकी क्लोरीन से क्रिया कराई जाती है तो ऐसी स्थिति में ब्लीचिंग पाउडर बनता है, तो इसका रिएक्शन होगा 2CaOH होल ट्वाइस
plus Cl2 is equal to CaOCl2 plus H2O, तो यहाँ बना ब्लीचिंग पाउडर। इसी प्रकार जब क्लोरीन को बहुत देर तक प्रवाहित करेंगे और उच्च तापमान तक गर्म करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, तो ये रिएक्शन होगा 2CaOH2 plus 2Cl2, बहुत अधिक गर्म करें तो CaCl2 plus 2H2O plus O2, तो यहाँ कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। चूने के दूध के साथ जब क्लोरीन की क्रिया होती है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है, और उसको जब गर्म कर दिया जाता है तो यही कैल्शियम क्लोरेट के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है, तो इसका रिएक्शन होगा 2CaOH2 plus 2Cl2 is equal to CaOCl2 whole twice, तो ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्लस CaCl2। दूसरा हम देख रहे हैं कि बहुत अधिक जब इसे गर्म कर दिया जाता है तो कैल्शियम क्लोरेट के रूप में परिवर्तित होगा, तो 6CaOH whole twice plus 6Cl2 is equal to 5CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बना, और CaClO3 whole twice बना, कैल्शियम क्लोरेट बना, और 6 मॉलिक्यूल वाटर के यहाँ पर निकलते हैं तो 6H2O। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बना और कैल्शियम क्लोरेट भी बना, तो अलग अलग कंडीशंस में क्लोरीन के साथ जब चूने के पानी का रिएक्शन होता है तो अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ जो चूना है, इसका भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग होता है। कुछ उपयोगों को हम जानेंगे। ये एक बहुत मुख्य प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चूना लेप के रूप में भवन निर्माण करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई सारे रसायनों का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, सोडा लाइम, और कई बार जो कोल गैस का जो शुद्धिकरण करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। चीनी के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका जो गुण है वो रोगाणुनाशी होता है, इस वजह से वाइट वॉश करते समय, दीवारों में सफ़ेदी करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। कांच के उत्पादन में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बहुत उपयोग होता है। चर्म शोधन या चमड़े का शोधन करते समय, शर्करा के शोधन करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट या जिसे चूने का पत्थर भी कहते हैं, CaCO3, इसका अणुभार है 100। प्रकृति में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो संगमरमर के रूप में, खड़िया के रूप में और चूना पत्थर के रूप में पाए जाते हैं। इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, अभी हमने देखा था, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर लगातार कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, तो वह भी यहाँ पर बनाने की विधि के रूप में ले सकते हैं। बुझे हुए चूने पर जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है, जैसे CaOH whole twice plus CO2 is equal to calcium carbonate plus H2O बना, और कैल्शियम कार्बोनेट पर जब बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दिए तो वापस से कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना, ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। चूँकि यहाँ हम कैल्शियम कार्बोनेट बनाने की विधि देख रहे हैं इसलिए इस रिएक्शन को हमने पुनः देखा। सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड, इनकी क्रिया के द्वारा भी ये बनाया जा सकता है, तो Na2CO3 plus CaCl2 is equal to 2NaCl बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट या जिसे हम चूने का पत्थर साधारण भाषा में कहते हैं, ये प्रायः सफ़ेद पाउडर के रूप में होता है, कभी ये रवेदार भी हो सकता है, और जल में बहुत कम घुलनशील होते हैं। जब 1200 केल्विन टेम्परेचर पर इसे गर्म किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को विघटित करने पर CaO plus CO2 बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट की जब अम्ल से क्रिया होती है तो ये लवण भी बना सकते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, और जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होती है तो ये कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं, तो इसका रिएक्शन होगा CaCO3 plus 2HCl is equal to CaCl2 plus CO2 plus H2O। जब कभी भी कार्बोनेट का विघटन होता है या कार्बोनेट की क्रिया होती है
या इसको गर्म किया जाता है या अम्ल से क्रिया हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड अवश्य ही निकलता है। कैल्शियम कार्बोनेट पर जब सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया हो रही है अर्थात H2SO4 की क्रिया होती है तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं में हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता ही है। कैल्शियम कार्बोनेट का भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग होता है। इमारत बनाने वाले जो पदार्थ होते हैं और संगमरमर के द्वारा बना हुआ कई बिल्डिंग है जिसे हम जानते हैं तो ये सब कैल्शियम कार्बोनेट ही है। कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड भी बनता है। कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। सॉल्वे विधि में जब सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है तो उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है और उस कैल्शियम कार्बोनेट से ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, भट्टी में उसे जलाया जाता है। तो सॉल्वे विधि के द्वारा जब सोडियम कार्बोनेट निर्माण किया जाता है तब भी कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। आयरन का जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ इसको गालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। टूथपेस्ट जो हम प्रयोग करते हैं उसमें ये अपघर्षक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। च्युइंगम जिसे चबाते हैं उसके एक संगठक के रूप में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कई सारे सौंदर्य प्रसाधन हैं जिसमें ये सप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला हम देखेंगे जिप्सम, जिसे कैल्शियम सल्फेट भी कहा जाता है। इसका सूत्र है CaSO4.2H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट के साथ दो जल के अणु जुड़े होते हैं तब ये जिप्सम कहलाता है। जिप्सम सीमेंट निर्माण के लिए उपयोग में आने वाला एक पदार्थ होता है और इसके द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनाया जाता है। तो जिप्सम भी हमारे जीवन में बहुत अधिक उपयोगी एक रसायन है। तो कैसे ये बनाया जाएगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो जिप्सम बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4 इज इक्वल टू CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O। तो यहाँ पर ये जो H2SO4 है इसका तनु विलयन लिया जाता है। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट पर जब H2SO4 की क्रिया होती है तो भी कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2 बना। आप यहाँ भी देखिए कार्बोनेट है और कार्बोनेट की क्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से हो रही है तो कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा भी कैल्शियम सल्फेट बनता है। तो कैल्शियम क्लोराइड की क्रिया जब सोडियम सल्फेट से कराते हैं तो CaCl2 प्लस Na2SO4 इज इक्वल टू CaSO4 प्लस 2NaCl बनता है। तो कैल्शियम के विभिन्न जो लवण हैं जैसे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब की क्रिया जब अम्ल से कराई गई तो भी हम देख रहे हैं कि जिप्सम प्राप्त होता है। जिप्सम जल में बहुत कम विलेय होते हैं और गर्म करने पर इसकी विलेयता जो है और घट जाती है। 390 केल्विन तापमान पर जब इसे गर्म किया जाता है जिप्सम को तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित होता है। जिप्सम में जो दो जल के अणु हैं उसमें से डेढ़ जो जल के अणु हैं वो बाहर निकल जाते हैं और शेष बचता है हाफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वही कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो CaSO4.2H2O को जब 390 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया गया तो प्राप्त होता है CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O। तो इतने जल के अणु यहाँ पर बाहर निकल गए, शेष बचता है आधा जल का अणु जो कि कैल्शियम सल्फेट के साथ अटैच्ड है और अब यह केमिकल होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब और ज़्यादा गर्म कर दिया जाएगा तो इसमें से बचा हुआ जो जल का अणु है वो भी बाहर निकल जाता है तो बनता है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ एच टू ओ इज इक्वल टू कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ एच टू ओ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम के उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से होते हैं इसको जानेंगे। जैसा हमने देखा रिएक्शन में ही कि जिप्सम के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्माण किया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस के तो कई सारे उपयोग हैं ही। निर्जली जो कैल्शियम सल्फेट है उसका प्रयोग निर्जली कारक के रूप में किया जाता है। चौक बनाने में भी
जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और ये जो जिप्सम है इसका प्रयोग सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को धीमा बनाने में भी किया जाता है। आगे हम जब सीमेंट पढ़ेंगे वहाँ विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। अब हम अगला जो यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में भी जाना जाता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ एच टू ओ, तो कई बार इसे कैल्शियम सल्फेट होल ट्वाइस एच टू ओ के रूप में भी लिखा जाता है। और इसे हाफ जलकाणु इसमें अटैच्ड है इसलिए हेमीहाइड्रेट के रूप में यह जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट यहाँ पर हम दो तरीके से देख रहे हैं, एक तो अनार्द्र स्थिति जिसमें कि जलकाणु नहीं है, और एक है जलयोजित स्थिति जिसमें कि दो जलकाणु अटैच्ड है, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू ओ। तो जिप्सम जो है उसका जब कार्बनिक ईंधन की अनुपस्थिति में उसको गर्म किया जाता है लगभग 393 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये जो जिप्सम है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित होता है। तो 2CaSO4 डॉट 2H2O इज इक्वल टू 393 केल्विन है। तो यहाँ पर जब जिप्सम को गर्म किया जा रहा है तो ये परिवर्तित होता है कैल्शियम सल्फेट होल ट्वाइस डॉट H2O प्लस 3H2O वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो ये भी सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, इसे भी हम कैल्शियम सल्फेट होल ट्वाइस H2O के रूप में भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को लिख सकते हैं। कभी कभी कार्बनिक ईंधन की उपस्थिति में जब अपघटन कराया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट बनता है, और जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है अर्थात 393 केल्विन में टेम्परेचर लिया गया है ना, तो 393 केल्विन से भी जब ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया जाता है तो पूरा जो जल है वो क्रिस्टलन जल जो है वो पूरा बाहर निकल जाता है। तो प्राप्त जो अवशिष्ट होता है उस पदार्थ को कहते हैं मृत तापित प्लास्टर। तो यहाँ मृत तापित प्लास्टर जो है उसका सूत्र होगा कैल्शियम सल्फेट ही, लेकिन पूरा का पूरा जलकाणु बाहर निकल गया। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो कैल्शियम सल्फेट बना इसे कहते हैं मृत तापित प्लास्टर। तो इसका रिएक्शन होगा कैल्शियम सल्फेट होल ट्वाइस H2O इज इक्वल टू कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O, 2CaSO4 प्लस H2O बनता है, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह रिएक्शन होता है और मृत तापित प्लास्टर का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस अक्रिस्टलीय सफ़ेद चूर्ण होता है। आपने देखा होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसे ही जल मिलाते हैं वो थोड़ी देर के बाद कठोर होने लगता है, तो जल अवशोषित करके ये जमने लगता है और गंधयुक्त कैल्शियम सल्फेट में यह परिवर्तित हो जाता है। इसी वजह से इसका प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट होल ट्वाइस H2O इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में लिख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O भी लिख सकते हैं। तो CaSO4 होल ट्वाइस डॉट H2O प्लस 3H2O, तो जल के अणु का जुड़ना जब होगा इसके साथ तो बनता है 2CaSO4 डॉट 2H2O। तो ये एक कंप्लीट एक जमा हुआ पदार्थ बना, यानी कैल्शियम कार्बोनेट ही जम गया यहाँ पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो पहले तो यह कैल्शियम सल्फेट में परिवर्तित होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते हैं तो यहाँ कैल्शियम सल्फेट विघटित हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड बन जाता है। तो ये रिएक्शन है CaSO4 होल ट्वाइस डॉट H2O इज इक्वल टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होगा, तो जलकाणु इसमें से माइनस हो जा रहा है और कैल्शियम सल्फेट बना। जब कैल्शियम सल्फेट पे 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO3 बनता है। तो यहाँ पर विघटन की क्रिया हुई और अंतिम उत्पाद के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO3 बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत अधिक उपयोग हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उसे जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा में भी इसका प्रयोग किया जाता है, अलंकरण कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है अर्थात गहने वगैरह के निर्माण के समय भी इसका प्रयोग किया जाता है, मूर्तियां बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, कई चीज़ों के सांचे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है,
केमिकल तो है ही, जिप्सम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम भी बहुत उपयोगी एक केमिकल है जो हमने देखा अभी, चौक निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है और भवन निर्माण उद्योग में भी इसका बहुत अधिक प्रयोग होने लग गया है।